हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चिल्ड्रन एजुकेशन टू एम्पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तीन अंक का गुणा बहुत ही आसान तरीकों से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा, जिससे कि आपको आसान तरीकों से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, गुणा को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें 324 को 2 से गुणा करना है। तो दोस्तों, राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 4, और दोस्तों नीचे में क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को 2 से गुणा करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम 4 के पहाड़े 2 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो दोस्तों, 4 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पर क्या आया, 8। यानी कि दोस्तों, हमने 4 को 2 से गुणा किया तो क्या आया, 8। दोस्तों यहाँ पर हम 8 को लिख देंगे। अब दोस्तों, 4 के बाद क्या है, 2। तो दोस्तों, आपको उसी तरीके से 2 को 2 से गुणा करना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 2 के पहाड़े 2 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो दोस्तों, 2 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पर क्या आया, 4। यानी कि दोस्तों, हमने 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आया, 4। दोस्तों यहाँ पर हम 4 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है, 3। तो दोस्तों, इसको भी आपको उसी तरीके से करना है। तो हमें क्या करना है, 3 को 2 से गुणा करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 3 के पहाड़े 2 बार पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो दोस्तों, 3 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पर क्या आया, 6। तो दोस्तों यहाँ पर हम 6 को लिख देंगे। और दोस्तों, ये आ गया ना हमारा बहुत ही आसान तरीकों से आंसर। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जिसकी मदद से आपको और भी अच्छे से समझ में आए और आप कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, इसको भी आपको उसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर दोस्तों, हमें 312 को 3 से गुणा करना है। तो दोस्तों, राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 2, और दोस्तों इसके नीचे क्या है, 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 3 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के पहाड़े 3 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 2 के पहाड़े 3 बार पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो दोस्तों, 2 के पहाड़े 3 बार पढ़ने पर क्या आया, 6। यानी कि दोस्तों, हमने 2 को 3 से गुणा किया तो क्या आया, 6। दोस्तों यहाँ पर हम 6 को लिख देंगे। अब दोस्तों, 2 के बाद क्या है, 1। तो दोस्तों, आपको उसी तरीके से 1 को 3 से गुणा करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के पहाड़े 3 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 1 के पहाड़े 3 बार पढ़ते हैं। 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3। तो दोस्तों, 1 के पहाड़े 3 बार पढ़ने पर क्या आया, 3। दोस्तों यहाँ पर हम 3 को लिख देंगे। अब दोस्तों, 1 के बाद क्या है, 3। तो दोस्तों, आपको उसी तरीके से 3 को 3 से गुणा करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के पहाड़े 3 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 3 के पहाड़े 3 बार पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो दोस्तों, 3 के पहाड़े 3 बार पढ़ने पर क्या आया, 9। दोस्तों यहाँ पर हम 9 को लिख देंगे। और दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर। दोस्तों है ना ये बहुत ज़्यादा आसान। और दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है, हम अगली वीडियो में बनाना सीखेंगे कि हासिल वाला गुणा को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।